केदारनाथ को, उस तरफ है उत्तरकाशी और इस तरफ गंगोत्री से मैं आया था। तो यहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट पूरा 2 घंटा हो गया और लिफ्ट के पते नहीं है। पता नहीं यार, हाईवे तो यही वाला है। तो एक बार और छोटा हाथी में लिफ्ट मिल गई है अपने को। ये पहाड़ी फल खा रहे हैं आज हम। ये तो भाई अभी बजा हुआ रात का 2 और मैं पहुँच चुका हूँ सोनप्रयाग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और अभी लास्ट नाइट यार, जैसे आपको पता है कि मैं निकला था गंगोत्री से और एक भाई मिले थे ट्रेवलर, जो एक भाई मिले थे जिन्होंने मेरे को ड्रॉप किया था यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उत्तरकाशी में, जो टेम्पो ट्रेवलर वाले भैया के साथ मैं आया था, कुलदीप भाई के साथ। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर ड्रॉप किया था। और ये रास्ता है ना जो, वो जाता है यहाँ से ये वाला केदारनाथ को, उस तरफ है उत्तरकाशी और इस तरफ गंगोत्री से मैं आया था। तो यहाँ पे पुलिस का चेक पोस्ट है और यहीं पे थोड़ा छेद था यार ऊपर की तरफ। यहाँ पे पीछे गंगा दर्शन होटल है, उन्हीं का था ये। तो उनसे मतलब परमिशन वगैरह लेके यहाँ पे कैंप लगा लिया था मैंने, जस्ट कॉर्नर पे। ये सीधा रोड यहाँ से केदारनाथ को चलेंगे अभी अपन। मॉर्निंग का 7:30 बजा है अभी और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यार। तो रात को इधर ही रुक गए थे यार, और रात को खाना पीना हो गया था। जो हैदराबाद वाले भाई लोग मिले थे मेरे को, यहाँ पे कुछ लोग मिले थे, वो मेरे व्यूवर्स थे, वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं भाई, इधर वो मतलब अभी उनका यमुनोत्री से आए हैं वो और गंगोत्री को जाएंगे। तो शाम को उनके साथ ही थोड़ी देर बातचीत की और उनके साथ बैठे थे यार, और फिर कैंप लगा के यहाँ पे स्टे किया था। तो अभी यहाँ से अपना सफ़र केदारनाथ को रहेगा लगभग 222 किलोमीटर के आसपास, 222 किलोमीटर सोनप्रयाग है यहाँ से। तो वहाँ को प्रस्थान करेंगे अभी यहाँ से, देखते हैं यार आज का मतलब जर्नी कितना किलोमीटर होता है। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग में जल्दी निकलते हैं अभी, जस्ट पिकअप करते हैं और फिर आई थिंक सोनप्रयाग तक पहुँच जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेट नाइट तक भी पहुँचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यार टाइम हो गया 9:30 और पीछे भागीरथी नदी और वो रोड है उत्तरकाशी का, और जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ ये वाला है केदारनाथ का। मेन सिटी से आते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर के आगे ही केदारनाथ का ये रास्ता कट जाता है, और काफ़ी सुंदर नज़ारा हो रहा है अभी तो। बढ़िया, ऊपर फॉग भी हो रहा है बट थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है यार। कल रात में अच्छी बारिश हुई, टेंट लगाया था और थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही थी। बस हिचहाइकिंग करते हैं, अब देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी 225 किलोमीटर के आसपास सफ़र है। आई थिंक अगर 150-200 तक भी पहुँच जाएंगे तो बढ़िया होगा, या पूरा भी पहुँच सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। तो भाई पूरा 2 घंटा हो गया और लिफ्ट के पते नहीं है। पता नहीं यार, हाईवे तो यही वाला है। बट एक भैया मिले थे, बोले अगर सिटी में से उस तरफ से जाते ना तुम तो वहाँ से तुमको इजीली होता है, ये रोड कम चलता है। बट कोई ना, ये तो हाईवे है यार, हाईवे तो पकड़ते ही हम लोग। देखते हैं एक आधी मार्केट से बाहर हो जाए सिटी से, फिर देखते कोई चांद गाँव वगैरह आएगा तो उसके बाद। यहाँ से निकलने में 2 घंटा हो गया यार, अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं आया हूँ मैं वो ब्रिज के वहाँ से जहाँ से कैंप लगाया था। तो भाई ये रास्ता जाएगा ऋषिकेश देहरादून को और उत्तरकाशी में अंदर की तरफ, और ये वाला रास्ता जाएगा केदारनाथ, लमगांव और श्रीनगर को। तो भाई मेन मार्ग पकड़ लिया अब केदारनाथ का, बैंड तक आ गया हूँ मैं, बैंड से आगे आया हूँ। और ये भैया लोग यहाँ पे मिले हैं, अभी पानी वानी पिया है मैंने, ये शॉप है यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यार फिर चलते हैं, क्योंकि अब पूरी खड़ी खड़ी चढ़ाई है आगे। और अपना मतलब मेन ट्रैक चालू हो गया अभी केदारनाथ को सीधा, मतलब वहीं केदारनाथ सोनप्रयाग में मिलेगा अभी। तो अभी हो गया ऑलमोस्ट 12:30 बजे, 12:30 बजा हुआ है। तो भाई एकदम टॉप पे पहुंच चुका हूँ मैं उत्तरकाशी के। देखो खूबसूरत से नज़ारे, पीछे पूरा सिटी दिख रहा है और नीचे भागीरथी भी दिख रही है वो देखो। ओ, काफ़ी अच्छे पहाड़ है इधर, फॉग हो रहा पीछे की तरफ। बहुत बड़ी सिटी है यार, वो देखो पूरा उत्तरकाशी दिखता है यहाँ से। आप मानते
फाइनली भैया मिले, वो बैठा आगे, भैया मिले हैं और ये बांध तक ले जा रहे हैं मेरे को, ये यहाँ पे रुकना है। आई रहो मानपुर आगे, चार पांच हो गए यहाँ, चार पाँच हो गए। हाँ देख किसी को है ना, ज़्यादा है पैमाने पे, इसमें बैठ जाओ। नहीं नहीं बैठ पाएंगे, दिक्कत आएगी, छोटी गाड़ी है ना। चला तो भैया यार मानपुर से ही है, और यार ये अभी 4 जुलाई को निकलेंगे, और ये तो यार पूरा मतलब बाय फुट ही जाएंगे, पूरा शॉर्टकट शॉर्टकट होते हुए यहाँ से। तो अभी ऐसे बाय रोड 220 के आसपास है, लेकिन ये शॉर्टकट जाएंगे तो 120 के आसपास, मतलब इनको यहाँ पे लोकल सब पता है, तो ये लोग निकलेंगे यहाँ से मतलब जंगल के रास्ते में और केदारनाथ जाएंगे। तो चलते हैं यार, अभी मानपुर लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर हो रहे हैं, तो छोटी छोटी लिफ्ट लेके धीरे धीरे चलते हैं। तो भाई फाइनली एक बार और छोटा हाथी में लिफ्ट मिल गई है अपने को, और थोड़ा आगे तक जाएंगे भैया, कहाँ तक जाते हैं देखते हैं। मानपुर तक थोड़ा आगे चले थे और भैया मिले हैं यार, और भैया वहाँ जा रहे हैं, सीधा सोनप्रयाग जाएंगे, एक केदारनाथ वहाँ पे जो खच्चर लेके आएंगे वहाँ से भैया। तो काफ़ी अच्छी सहूलियत हो गई यार हमको, और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, और भैया मिल गए तो डायरेक्ट हमको भी लिफ्ट मिली है। भैया क्या नाम है आपको? गोल्डी राणा। अच्छा, गोल्डी भाई ने हमको लिफ्ट दिया है वहाँ तक डायरेक्ट, और चलते हैं यार अब, अभी तो सफ़र काफ़ी लंबा है हमारा, और बस ज़्यादा मौसम ख़राब ना हो यही चाहते हैं। तो भाई देखो ये पहाड़ी फल खा रहे हैं आज हम, ये देखो इसका पेड़ भी था यहाँ पे, क्या बोलते भैया? चुलू। चुलू चुलू है ये। तो भाई अभी बजा हुआ रात का 2 और मैं पहुंच चुका हूँ सोनप्रयाग। गोल्डी भाई के साथ आ गए थे यार, तो करीब करीब 3 बजे बैठे थे उनके साथ, तो रात को करीब अभी 12:30 के आसपास हम लोग सोनप्रयाग आ गए यार। और अच्छा हुआ यार, काफ़ी अच्छी लंबी राइड थी 205 किलोमीटर की, और अब सुबह मॉर्निंग में ट्रैक चालू करेंगे यहाँ से। अभी देखो आप कितनी भीड़ हो रही है, मतलब आने वालों की भी भीड़ खूब है और जाने वालों की भी काफ़ी भीड़, इस तरफ देखो मतलब लोग लगे ही हुए हैं अभी भी ऊपर, ऊपर जाने वालों की भीड़ देखो काफ़ी है। रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बंद हो गया, रजिस्ट्रेशन इधर होगा, और रजिस्ट्रेशन के यहाँ देखो कितने सारे लोग सोए हुए हैं अभी, तो सुबह रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस करेंगे
और फिर आगे बढ़ेंगे ऊपर गौरीकुंड से होते हुए ऊपर जाएंगे केदार घाटी में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं यार, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ बात हो, हर हर महादेव।